शिशु संरक्षण और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने चिकित्सकों को सबसे पहले जागरूक किया जा रहा है, जिसके लिए शिशु रोग विशेषज्ञों की टीम द्वारा 15वां सम्मेलन बिलासपुर में आयोजित की जा रही है। एक देश में विभिन्न राज्यों द्वारा और जिलों में शिशु मृत्यु दर के आंकड़े अलग अलग है, वहीं छत्तीसगढ़ में यह आंकड़े सबसे चिंतनीय है। लिहाजा चिकित्सकों और आम लोगों को जागरूक करने, शिशु संरक्षण और रोग लक्षण चिन्हांकित करने परिचर्चा आयोजित की जा रही है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को देश के विभिन्न जगहों से विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। ये राज्य स्तरीय 15वां शिशु रोग विशेषज्ञ का सम्मेलन है। इसमें करीब 200 लोग भाग लेंगे, बच्चों के स्पेशलिस्ट। संक्रमण से बचाव के लिए जो लक्षण है कि बच्चा दूध नहीं पीता है, सुस्त पड़ने लगता है, उसका पेशाब कम होने लगता है, वैसा कोई भी स्थिति आने से वो तुरंत निकट के अस्पताल में पहुँचे। और तीसरा है डिलीवरी के समय होने वाले मुश्किलात, जिसके कारण कि बच्चा डिलीवर तो होता है लेकिन वो सांस नहीं ले पाता है, तो उसका क्या किया जाए। तो उसका बड़ा साधारण तरीका है कि सबसे पहले तो किसी इंस्टीट्यूट में जाकर डिलीवरी करवाएं, वो नज़दीक का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो सकता है, जहाँ पर कि एक ट्रेन स्टाफ हो जो कि यदि बच्चा सांस नहीं ले रहा है तो उसको सांस देने की क्या विधि है उसको पता हो। और ये बहुत आसान काम है, इसको सिखाने से ये जो 1000 में 20 बच्चे हैं उसमें से कई बच्चे बचाए जा सकते हैं। तो यही ध्येय है कि डॉक्टर को भी ट्रेन किया जाए, एक आम जनता को भी ट्रेन किया जाए, ताकि ये जो इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि अपने ही देश में कहीं 7 में 1000 में 7 मर रहे हैं और कहीं 1000 में 30 मर रहे हैं, इसको तो हम लोग कम कर सकें।